ऑल राइट गाइज, तो वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। एंड गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कैपकट के अंदर एक न्यू फीचर ऐड हुआ है कटआउट का, जिसका यूज आप लोग बहुत ही कमाल के तरीके से कर सकते हो। पहले रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन देता था, जिससे हम अपनी वीडियो को रिमूव करते थे तो उसमें एजेस वगैरह आ जाते थे। लेकिन गाइज, अब आप लोग जैसे अपने पिक्सआर्ट के अंदर फोटोज वगैरह को कटआउट निकालता है, उसी तरीके से आप लोग अब अपनी वीडियो का भी कटआउट निकाल सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इस फीचर का यूज किस तरीके से करना है आप लोगों को। तो चलिए गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पर आ चुके हैं गाइस हम अपने कैपकट एप्लीकेशन के अंदर, और ये वाला जो लेटेस्ट वर्जन है कैपकट का, आप लोगों को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, इजिली वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद कोई सा भी वीपीएन कनेक्ट करके इस एप्लीकेशन को कुछ इस तरीके से ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो प्लस का एक आइकन है, सिंपली इस प्लस के आइकन पे क्लिक करना। और गाइस यहाँ पे आप लोग जिस वीडियो का बैकग्राउंड रिरेज करना चाहते हो, मतलब रिमूव करना चाहते हो, ठीक है, तो उस वीडियो को ले लेना। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ये वाली वीडियो ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे गाइस वीडियो को देख सकते हो, बिल्कुल एकदम नॉर्मल सी वीडियो है, इसमें कोई भी अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैं वीडियो को ले लेता हूं और इस वीडियो का मैं आप लोगों को बैकग्राउंड जो है रिमूव करके बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसका वाटरमार्क है गाइस, इसको मैं डिलीट कर देता हूं हमेशा की तरह यहां से, ठीक है। क्या करने के बाद गाइस, अब हमें क्या करना होगा कि यहां पे अपने वीडियो वाले लेयर पे सिंपली क्लिक करना है। करने के बाद नीचे देख सकते हो यहां पे एक कटआउट का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ लेटेस्ट वर्जन पे ही दिखेगा, आप लोगों को अपना पुराना कैपकट डिलीट करना है, जो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, मतलब टेलीग्राम पे जो दूंगा उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो उसमें इस कटआउट का जो ऑप्शन है, सिंपली क्या करना गाइस, इस कटआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। तो यहां पे देख सकते हो तीन ऑप्शन शो होंगे आप लोगों के सामने, ठीक है। यहां पे गाइस जो रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन है, ये तो हमारा पहले भी था। यहां पे एक नया फीचर जो ऐड हुआ है, ये वाला है यहां पे कटआउट वाला, ठीक है, जो बीच वाला है। और क्रोमा की का तो आप लोग यूज करना जानते होंगे किस तरीके से हमें करना है, ठीक है। तो ये दो तो पहले से ही थे हमारे में, जो बीच वाला है ये हमारा नया अपडेट है, ठीक है। तो सिंपली इस बीच वाले कटआउट वाले ऑप्शन पे क्या करना है आप लोगों को, सिंपली क्लिक करना है। और मैं बताता हूँ कि किस तरीके से इसको यूज करना है। तो कुछ इस तरीके से मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों को ये बता देगा कि किस तरीके से अपने बॉडी पे पेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ नीचे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे ब्रश का साइज भी आप लोग यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से, और बगल में इरेजर का भी ऑप्शन है, इरेजर को भी आप लोग छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब सेम जैसे आप लोग अपने फोटो को रिमूव करते हो ना बैकग्राउंड, उसी तरीके से करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर देख सकते हो यहाँ पे आंख का एक ऑप्शन है, मतलब आइकॉन दिखता होगा, इस पे क्लिक करना और कुछ इस तरीके से दोनों फिंगर से अपने वीडियो को जूम करना, ठीक है। देख सकते हो बिल्कुल फोटो की तरह एकदम जूम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जूम करना है। जूम करने के बाद गाइस आप लोगों को क्या करना है कि अपना ब्रश का साइज यहां से अपने हिसाब से रख लेना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और अपने बॉडी पे गाइस कुछ इस तरीके से पेंट करना है, ठीक है, आराम से करना आप लोग, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। और अगर आप लोगों का अगर थोड़ा बाहर हो जाता है तो बाकी यहाँ से रिमूव वाला जो टूल है ना, उससे आप लोग रिमूव कर सकते हो, मतलब इरेजर वाला जो टूल है उससे आप लोग आराम से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर दिया हूँ, बिकॉज वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर एक एक करके मैं बताऊंगा। तो आप लोग आराम से कर लेना, मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट इसलिए कर दिया हूं, मतलब थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूं ताकि सिर्फ आप लोगों को मैं समझा रहा हूं, मतलब, ठीक है। बाकी आप लोग आराम से करना, अगर आप लोगों की वीडियो है तो जितना अच्छे से आप लोग अपने बैकग्राउंड को इरेज करोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है ना। तो फिलहाल यहां पर देख सकते हो मैंने सब कुछ कर लिया है, अब कुछ नहीं करना है, सिंपली आप लोगों को जूम आउट करके कुछ इस तरीके से सिंपल से छोड़ देना है। तो यहां पर देख सकते हो ये थोड़ा सा बस यहां पर लोडिंग लेगा, और यहां पर देख सकते हो ऑटोमेटिकली हमारा जो बैकग्राउंड था ना वो इरेज हो चुका है। और गाइज यहाँ पे देख सकते हो हमारे बॉडी के अगल बगल बिल्कुल भी एजेस वगैरह नहीं दिख रहे हैं, एकदम स्मूथ हमारा जो बैकग्राउंड है वो इरेज हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से हमें रिमूव करना है, ठीक है, मतलब सेम जिस तरीके से हम पिक्सआर्ट के अंदर अपने फोटो को रिमूव करते हैं ना, उसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे अपने वीडियो को रिमूव करना है, ठीक है। तो देख सकते हो बिल्कुल भी एजेस नहीं है, मैंने बताया था ना, गारंटी है कि कोई भी एजेस वगैरह नहीं दिखेंगे। पहले जो था ऑटोमेटिकली जिसमें था उसमें एजेस वगैरह भी दिखता था, तो ये वाला अपडेट था हमारा, ठीक है। और एक और अपडेट हुआ है गाइस, उसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। इधर की तरफ आओगे ना, जो अपडेट है यहाँ पे एक और ऑप्शन है, तो यहाँ पे देख सकते हो एक मोशन ब्लर का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, लास्ट के सेकंड में। तो इस मोशन ब्लर के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे यार, ऑलरेडी ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है, ठीक है। तो बाकी आप लोग आई होप समझ गया होगे, अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी इस वीडियो को हम करते हैं सेव। तो ऊपर जो एरो का ऑप्शन है, सिंपल से इस एरो वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे गाइस, और ये वीडियो हमारी गैलरी
गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी और आप इस वीडियो के अंदर किसी भी बैकग्राउंड को ऐड कर सकते हो। तो आई होप गाइस ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आप लोगों को ये फीचर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट करके बताना गाइस कि कैसा लगा वीडियो। तो गाइस चैनल पर ना हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम इस चैनल पर रोज लेके आते रहते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ किसी कमाल के ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ गाइस, तब तक लिए टाटा बाय बाय।